नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ माधुरी तिवारी और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय कुमार जी। अब आप सोच रहे होंगे कि विजय कुमार जी है कौन, तो हम आपको बता दें कि वो ही है जिन्होंने निमकी मुखिया में तेतर सिंह का किरदार निभाया था। पहले तो विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क चैनल पर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पटना से लेकर मुंबई तक का आपका सफर कैसा था, कैसा रहा? पटना से लेकर मुंबई तक का सफर जो है मेरे लिए सुखद ही रहा है, इसलिए कि कहीं ना कहीं मैं अपने सपने का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। पर मेरा सफर जो पटना से सीधे मुंबई की तरफ नहीं हुआ, पटना उसके बाद दिल्ली, फिर पटना, फिर मुंबई। मैं पटना से एनएसडी में चला गया, एनएसडी के बाद फिर पटना में थिएटर करते रहा, फिर पूरे देश में पढ़ाते लिखाते रहा। एनएसडी के बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट भी आया पुणे, उसके बाद मैं सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा लंदन चला गया, उसके बाद मुंबई आ गया। तो सफर तो सुखद ही रहा है कि आप कहीं जब काम करना चाहते हैं या चाहत रखते हैं और उस जगह पे आप पहुंचते हैं और उस जगह आपको स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, तो उसका अपना एक सुखद एहसास होता है जो रहा मेरे जीवन के लिए। जी जी। और आपकी अभिनय की शुरुआत कैसे और कब हुई, मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे आया, मतलब आपको शुरुआत से ही एक्टर बनने का शौक था या फिर मतलब बाद में ऐसा कोई मोड़ आया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआती दौर में जैसे कोई फोक या ट्रेडिशनल फैमिली से तो हम आते नहीं थे, कोई फोक परफॉर्मर हो या ट्रेडिशनल परफॉर्मर हो या क्लासिकल परफॉर्मर हो हमारे फैमिली में, तो इर्द गिर्द जो चीजें चलती थी तो हमारे गांव के पास की एक कंपनी थी जो रामलीला की कंपनी थी और जो बहुत ही अद्भुत परफॉर्मर थे, तो सबसे पहले तो मेरे जहन में अभिनय को लेके जो दो दृश्य हैं वो ये है कि एक रामलीला, और रामलीला का एक महीने तक पूरी तरीके से घटित होना हमारे आंखों के सामने, तो और वो विलक्षण परफॉर्मर्स है। दूसरा ये कि मैं अपने पुराना जो पैतृक घर था उसका एक छोटा सा बक्सा हर किसी के घर में हुआ करता था, टीन के बक्से होते थे, तो उसको मैं खोला तो दो चीज मुझे दिखी थी। एक दिखी काली टोपी, इनफैक्ट तीन, एक काली टोपी और एक छोटा सा डंडा और एक पैंट, जिसका मैं कभी उस तरीके से इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। कहने का मतलब यह है कि वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हो रही थी बिहार में, और उसमें मेरे पिताजी बहुत जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, और एक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का जो अभी नारा चारों तरफ जो पूरी तरीके से प्रचंड रूप से आ रहा है ना, उसके शुरुआत जो हुई थी बिहार में, तो बचपन में वो चीजें देखी। और हमारे इर्द गिर्द काफी सारे लोग ऐसे थे जो इन्वॉल्व थे उसमें, लाठी लेके जाते थे, सुबह कुछ प्रार्थना करते थे, हाफ पैंट पहनते थे, काली टोपी पहनते थे, ऊपर बनियान पहने रहते थे, छोटे छोटे डंडे लिए हुए रहते थे, तो बड़ा आकर्षक सब कुछ होता था। तो वो एक नाटकीयता, वो एक नाटकीय पक्ष। दूसरा रामायण और पे आधारित रामलीला का पूरा एक पक्ष, और जिसमें विलक्षण फोक परफॉर्मर्स थे जिसमें गाने वाने बहुत अच्छे होते थे और बड़ा मेक बिलीफ वाला मामला था, वहां से चीजें शुरू हुई। फिर जब मेरी बहन की शादी हुई, फुआ की, हमारी फुआ बोलते हैं बिहार में, तो फुफेरी बहन की शादी हुई तो हम उनके ससुराल गए उनको लिवाने, तो वहां हमारे जीजा जी ने कुछ फिल्में दिखा दी, तो वहां से वो बीज जो है ना कहीं किसी रूप में डल गया, और वो धीरे धीरे बाद में पल्लवित पुष्पित हुआ जब मैं दिल्ली गया, और दिल्ली के बाद फिर मुंबई आना हुआ, और इधर फिल्म टेलीविजन और थिएटर में सघन रूप से जो काम करते रहा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं वहां से डली हैं।
घर की तरफ से आपको कभी किसी ने नहीं बोला कि मतलब आप जब आपने उनको बताया कि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कभी किसी ने इस पर सवाल नहीं किया आपसे? घर में अगर मैं बोल देता तो हो सकता था मेरा गला मरोड़ दिया जाता। अच्छा, घर में हमने बोला ही नहीं, झूठ बोला जी। दिल्ली आ गए पढ़ने के लिए, आए दिल्ली की पढ़ाई या यूपीएससी की तैयारी धरी रह गई, और उसके बाद हमने जो है वहाँ मतलब थिएटर वर्कशॉप्स करने शुरू कर दिए, नाटक करने शुरू कर दिए, और बड़ी एग्रेसिवली जो है 4-5 साल थिएटर किया, और उसके बाद 91 में मेरा एडमिशन हुआ, 91 से 94 में बैच का हूँ मैं एनएसडी का, वहां से फिर शुरुआत हो गई, तो धीरे धीरे लोगों को समझ आ गई, जानकारी मिल गई। जब आपने घर वालों को बताया, जब भी उन्हें पता लगा होगा, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन देखिए, हम लोग ऐसी फैमिली से थे जिसमें होता था कि आप कुछ बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, कुछ नहीं बनो तो बैंक में मतलब कुछ प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, यूपीएससी कर लो, आईएएस वाईएएस बन जाओ तो बहुत अच्छा। तो उसी तरह की चीजें हैं, उसी तरह की सोच रखने वाले समाज की पैदाइश हैं। पर मेरे पिताजी थोड़ा सा स्कूल चलाते थे, सरस्वती शिशु स्कूल, शिशु विद्या मंदिर नाम से वहां चलता था, और लड़कियों के लिए एक मुफ्त का स्कूल चलाते थे, तो एक अलग तरह की सामाजिकता थी। तो आर्ट कल्चर लिटरेचर को लेके चाहे जितनी भी समझ हो उनमें, पर होता है ना कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जो है वो मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो, तो कहीं ना कहीं घर फूंक के तमाशा देखने वाली बात थी ना। उस समय मैं कहता कि मैं अभिनय करने जा रहा हूं, मैं हीरो बनूंगा, और उस समय तो उस तरह की फिल्में भी नहीं आती थी, उस तरह की चीजें भी नहीं थी, तो मजाक का पात्र होके रह जाते हैं आप, और कुछ नहीं हो सकता। अभी तो दुनिया काफी खुली है, टेलीविजन हो गया, वेब सीरीज हो गए, नाटकों में इतनी अच्छी चीजें आने लगी, फिर ये है कि फिल्में भी बदली हैं, हर तरह के किरदार आने लगे, नए नए अभिनेता आए जो नए तरीके से चीजों को देखे, अब उस तरीके से स्टार सिस्टम जो है बहने भी लगा, तो चीजें काफी बदल गई है जी। और आपने टेलीविजन और बॉलीवुड दोनों में काम किया है, तो मतलब क्या डिफरेंस लगा उसमें, मतलब एकदम से पहले बॉलीवुड फिर टीवी सीरियल्स, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है ये सब? देखिए, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है ना टेलीविजन होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, विद इन नो टाइम आपको परफॉर्म करना होता है, विद इन नो टाइम सब कुछ देना होता है, वो एक तरीके से कहें तो फास्ट फूड की तरह है, तो जल्दी से जल्दी बना के परोस देने वाली बात है। इसलिए कि आप लोग एक न्यूज़पेपर शुरू किए हो और इतने बड़े स्तर पे कई राज्यों में शुरुआत की है, तो आप बेहतर जानते हैं कि हर सुबह वो अखबार, या साप्ताहिक है तो साप्ताहिक अखबार जो भी है, तो हर सुबह लोगों के हाथ में आना चाहिए जी। और चाय पानी के साथ वो अखबार देखेंगे और घंटे दो घंटे में वो चीज पुरानी हो जाती है, और पुरानी होते होते बाद में वो चीज रद्दी हो जाती है। तो वैसे ही टेलीविजन का भी है, का रिपीट वैल्यू बहुत कम है जी। तो वो है कि हर शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे वो चीज आनी है, और विद इन नो टाइम आपको परफॉर्म करके देना है, तो वो एक चैलेंज होता है उसमें जी। इन दिनों ना बहुत ज्यादा बॉलीवुड में नेपोटिज्म चीजें मतलब चल रही हैं, तो मतलब आपने कभी भी इस तरह की चीज फेस की है? हर जगह आप हर दिन फेस करते हो जी। आप नहीं फेस करते हो तो आपका कोई भाई फेस कर रहा होता है जी। आपका कोई पड़ोसी फेस कर रहा होता है, आपको कोई की बहन बेटी फेस कर रही होती है, ये तो है ही, ये शुरू से चला आ रहा है। पूरा का पूरा तंत्र जो है पहले राजाओं के हाथ में था जी। तो राजा का बेटा राजा बनेगा जी। वो तो राजा के बेटा राजा बनेगा, उस वो टूटने की शुरुआत जब हुई, जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई, अपना समाज अपना राज्य बना, पर वहां भी धीरे धीरे चीजें हैं कि राजनीति में भी राजनीतिज्ञों के बेटे ही दोहराए जाने लगे, वो काबिल हों या नाकाबिल हों, वैसे ही फिल्म टेलीविजन में हो गया, वैसे ही बाकी चीजों में हो गया, वैसे ही आरक्षण में हो गया।
तो हर जगह किसी न किसी रूप में आपको झेलना पड़ता है और एक ग्रुप हो जाता है, कॉकस हो जाता है। अब उसको तोड़ के, उसको भेद करके उसमें आगे बढ़ना और गहरे बैठ के बाहर निकलना और अपने को स्थापित करना, ये एक मुश्किल काम तो जरूर है, निश्चित रूप से। तो जैसे कि आपने भी इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, तो ऐसे ही कई अभी के भी युवा हैं जो वो आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको मौका दिया जाता है या फिर मतलब कि अगर वो संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं तो उनको हर तरीके का मौका मिलता है? मौका सबको मिलता है, आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए पूरी, और आपके लिए जब भाग्य का दरवाजा खुले तो आप तैयार हो, ठीक है। और मौका ना मिले तो मौका छीनना भी पड़ता है, और मौका छीनना तरीके से पड़ता है, इस तरीके से कि जिससे आप छीन रहे हैं उसको पता भी ना चले और आपने उसके सामने अपने को स्थापित भी कर दिया। आप बिना कहे ही हम आ जाते हैं अपने छोटे भाई सुशांत सिंह वाले केस पे। मतलब उन्होंने अपने को उस रूप में स्थापित किया, मौके अपने लिए इकट्ठे किए, मौका जब भी मिला तो अपने को स्थापित किया, स्थापित करने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन खत्म हो गई। तो नेपोटिज्म जो है ना हर रूप में विद्यमान है, पर उस कॉकस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, लंका में भी विभीषण होते हैं, समझ गए? अगर मान लीजिए कि कोई कल को सुशांत सिंह राजपूत ही लंबे समय तक काम करते, उनकी उनका परिवार या वंश बेल बढ़ता जी, तो फिर उनके बेटे की वजह से किसी और का हक भी मारा जा सकता था, समझ रहे हैं? उतना तक सही है कि एक पीढ़ी ने संघर्ष किया है और दूसरी पीढ़ी जो टैलेंटेड है उस तक चीज स्थानांतरित हो रही है, पर नहीं जानता है, कुछ करने के लायक नहीं है और उससे बेहतर और लायक लोग उपलब्ध हैं, उसके बाद भी उसको मौका ना देके अपने भाई बंधों या भाई भतीजे को आप देते हैं अगर मौका, तो ये गलत है। और ये चीज जो है ना पूरी तरीके से हमारी इंडस्ट्री में फैली हुई है और कहीं ना कहीं इस चीज ने हमारे आर्ट को, हमारे आर्ट फॉर्म को छोटा भी किया। चलिए फिर जब आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनकी बात आई है तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो इस समय ड्रग्स को लेकर चीजें चल रही है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है क्या नहीं है ये सब चीजें, मतलब कितनी हद तक? कोई मतलब ऑथेंटिक मुझे जानकारी तो है नहीं जी, पर पूरे देश दुनिया में ड्रग्स जो है ना अपने तरीके से छत्र फैलाया हुआ है जी। आप मुंबई की सड़कों पे भी घूमेंगे तो जहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या पुल बन रहे हैं उसके नीचे भी लोग जो है खींचते हुए नजर आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी आकृतियां नजर आ जाती हैं जो कहें क्या कहें, एक तरीके से उनकी जिंदगी ही पूरी तरीके से वाहियात हो गई है या बेकार हो गई है, दिन रात उसमें लगे हुए रहते हैं, संलग्न रहते हैं। और हमारे यहां ये जो है ना पुरातन समय से भी चला आ रहा है, हर हर महादेव करके कोई भी भांग का गोला ले लेता है और गांजे की कली खींच लेता है, बम भोले। तो हमारे यहां तो मंदिरों में भी है, तो एक जगह वो अपराध है और एक जगह वो प्रसाद है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हर तरफ जो है ना उस तरीके से चीजों को खोलना होगा, उधारना होगा, और ये हुआ है और अच्छी बात है कि पुलिस या प्रशासन या जो भी मतलब अधिकारी या जो भी उस तरीके से विभाग इससे के देख रेख करने वाले हैं वो जड़ तक या तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, पर बेवजह बॉलीवुड की बदनामी नहीं होनी चाहिए। समाज के हर जगह पे ये चीज अपने तरीके से
विद्यमान है और इसकी सफाई जितनी होती है बहुत अच्छी बात जी। तो आप जैसे बिहार से हैं तो आप मतलब कि यहाँ पर है एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप बिहार के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? बिहार के लोग ऐसे हैं ना कि उनके लिए कोई कुछ ना करे वो जो है एक तरीके से मशरूम की तरह है। वो कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी मिट्टी में डलेंगे, वो धीरे धीरे पनप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी हार्ड सरफेस को तोड़ के वो कोमल सी चीज बाहर आ जाएगी। हम वो घास की जड़ हैं जो सूख जाए, जल जाए और एक बार बारिश होगी तो वो बाहर निकल आएगी। तो बिहार की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है और इसका मैं दंभ नहीं भरता, पर इस बात का मुझे बहुत फक्र है कि हम बिहार से हैं और एक खास तरह की जिजीविषा, खास तरह के लड़ने की ताकत, खास तरह की चाहत और जीवन के प्रति एक आशावान नजरिया और अपने चौखट को बार बार लांग के बाहर जाके अपने को स्थापित करने की मादा, तो वो चीज हमारे अंदर हमारे खून में बसा हुआ है। और बिहार के लोगों की मदद अछता पछता के आदमी करता है। जब दूसरे बेहतर ऑप्शन नहीं आते ना तो उनकी मदद की जाती है, और उनकी मदद की जाती है तो एक बार वो अपने को स्थापित कर लेते हैं तो अगला जो मदद करने वाला भी होता है वो उसे भी लगता है कि अच्छा है, बिहारी लोग ऐसे होते हैं, बिहारी लोग ऐसे होते हैं। एक जो बना बनाया जो नजरिया है बिहार को लेके, वो हमारे काम, हमारे स्वभाव और हमारी मेहनत से वो नजरिया काफी कुछ बदला है, टूटा है, बेहतर हुआ। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बाहर से आते हैं, कलाकार आते हैं, अपनी कला लेकर आते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से इतनी भीड़ में अपने लिए जगह बनाए? कभी भी कोई भीड़ हो और भीड़ में आप दिखना चाहते हो जी, आप स्टेशन पे उतर रहे हैं, कोई आपको लेने आया है, वो नहीं जानता आपको जी। तो आप कहते हो कि मैं काली टोपी लगाए रखूंगा या मैं इस तरीके से लाल फूल लिए हुए हूं या मैं काला चश्मा पहने हुए हूं या लाल पैंट पहने हुए हूं, तो उस तरीके से अपनी कोई पहचान, अपनी कोई खासियत, वो अपने को पहचान के अपनी खासियत, अपना एक रंग, अपना एक गंध अपने में लाना पड़ेगा, उसको पल्लवित पुष्पित करना पड़ेगा। और ये मान के चलें कि खासकर कोई भी आर्ट फॉर्म में, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट में जितने आर्ट हो गए, इसमें अपनी जगह बनानी जो है बहुत मुश्किल होती है। ये रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने के जैसा है। तो उतनी ताकत है, वो जिजीविषा आपके अंदर है, तभी आए और एक बार आ जाए तो फिर लौट के पीछे न मुड़े। संघर्ष जगह है जीवन में। मैं किसान परिवार का हूं, मेरे बाप दादे जो लोग थे वो किसानी किया करते थे, तो हम जानते हैं वर्षों से ऐसा होता है कि फसल मारा चला गया, बाहर बिहार में बाढ़ आती है, सब कुछ बहा के घर द्वार आपको एकदम बिल्कुल एक तरीके से निर्वस्त्र करके चली जाती है, फिर से नए तरीके से हमें शुरू करना पड़ता है। तो उसी तरीके से वो ताकत लेके चलें और एक बार आए तो ये समझें इस गणित को कि लोग बहुत हैं, काम कम है। हर तरह के संघर्ष, हर तरह की परेशानी, तरह तरह के नेपोटिज्म और इस तरह की चीजें, बढ़िया चीजें हैं, वो आपके दरवाजे पे दस्तक देगी, आपके दिल और दिमाग को जो है परेशान करेगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यूपी में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी चल रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया पहल है जी।
बहुत अच्छा पहल है और जो योगी जी के सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं उसमें एक पूरे, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में ये अभी की जो सरकारें हैं उसमें सबसे अच्छा कदम है जी। ये मेरा एक का जी बोलिए, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है तो चीजें बेहतर बनेंगी। साल दो साल चार साल में अगर वैसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, कितने स्टूडियो हो जाए, वो सुविधा संसाधन से लैस एक जगह हो जाए, वैसा एक इंडिपेंडेंट स्पेस हो जाए जैसे हॉलीवुड वगैरह में है, तो बहुत अच्छी बात है और इसको, इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें किसी तरीके की नकारात्मक बात जो है ना ढूंढनी नहीं चाहिए जी। अरे बस एक आखिरी संदेश उन युवाओं को दे दीजिए जो संघर्ष लेकर आते हैं और उनको कामयाबी नहीं मिल पाती और डिप्रेशन में जाकर वो आत्महत्या कर लेते हैं, उनके लिए मतलब छोटा सा संदेश दे दीजिए कि एक बादल सरकार ने कुछ पंक्ति लिखी है उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि मुक्त हृदय निर्द्वंद भाव से दीक्षा ली थी मूल मंत्र की सतत तीर्थ यात्रा करने की। तो एक सतत तीर्थ यात्रा है, उसमें जो है परेशान होना, डिप्रेस्ड होना या इस तरीके के दिलो जहन में बात आना कि इतना जीवन संघर्ष है तो जीवन को खत्म कर लेना ही ज्यादा बेहतर होगा, ये सब आना स्वाभाविक है, पर इसकी सवारी करनी है, इस पे जीत प्राप्त करनी है आपको। और अगर मान लिया, मैंने ही ये कहा कि एक बार आ गए तो मुड़कर मत देखिए, और अगर आ गए और आपको लगता है कि नहीं गलत जगह आ गए, हमारे लिए जगह नहीं है, तो कोई और चीज करना चाहते हैं तो कोई और भी कीजिए। जीवन जो है ना बहुत ही खूबसूरत चीज, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, ऐसे कुचल नहीं देना है, ठीक है, बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। कैसे कैसे दुख दिक्कतों में लोग जीते रहे हैं, तो जब आप ज्यादा परेशान हो तो आपसे ज्यादा परेशान जो लोग हैं उनकी तरफ देखिए, जब आप सफल होते हैं तो आपसे ज्यादा सफल लोग हैं उनकी तरफ देखिए, और जो परेशान लोग आपके साथ रह गए दोस्त लोग, उनकी चाहत और उनकी मदद के लिए आगे आइए। और ऐसा कुछ नहीं है, सबसे जरूरी है खुश रहना। आप खुश रहेंगे तो सारी चीजों की, सारे मर्ज की दवा जो है खुशी है, और उसको ढूंढने की कोशिश में हमेशा लगे रहिए, मेरा यही संदेश जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके अखबार को, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे समय में राष्ट्रीय फलक पे एक बड़ी चीज लेकर आ रहे हैं, और मेरा बिल्कुल साधुवाद है, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सबके हाथ तक ये अखबार और सबके नजरों के सामने आपका ये जो है चैनल जो है जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।